प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 12th के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक का जो है ना 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो देखिएगा, अभी सेट कोड आप लोगों का 170 रहेगा, सेट कोड हम लोग अभी डी का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, टोटल 70 नंबर का जो ना आपका एग्जाम होने वाला है। उससे पहले प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूँ, इसी चैनल पे शाम में 7 से 7:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का क्लास करते हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको शाम में 7:30 बजे मिलेगा, आप लोग जुड़ पाएंगे। एंड साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, 9835516710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप मेट कर देंगे, यानी इसी ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह भी इसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, प्रश्न बोला गया कि बताइए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेट फ्लक्स इज, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है, बेबर, पहला का बी करेक्ट। दो नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो दो नंबर प्रश्न बोला गया आप लोगों से कि बताइए जो है ना LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है ना अधिकतम होता है जब, क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब जो है ना XL बराबर में XC होना चाहिए, तब ऑप्शन सी होगा राइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जो है ना परीक्षण और धारा, इसकी शक्ति क्या होगी। तो याद रखिएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 होगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देखते चलना, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो ये आप लोगों से बोला गया कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है किसमें, ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लेना है, विद्युत विच्छेदन के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, तो ये बोला गया कि 2 प्रकाश तरंगे के कलांतर और जो है ना पथांतर का अनुपात क्या होगा, तो नोट करिएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका 2π/ जो है ना डेल्टा होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है जो है ना 5 नंबर एक और टाइप हो गया, एक उत्तर लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आपको याद रखना है, इसका भी राइट आंसर डी होगा, यानी कि आप नोट करेंगे 4f के बराबर होगा, 4 फोकसांतर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आप लोगों से 6 नंबर बोला गया, 6 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है ना, ये बोला कि बताइए जब किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो 6 का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट करना है, उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जो है करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये बोला कि 2 उत्तर लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु कहाँ पर स्थित होना चाहिए, तो 7 का डी नोट करना है, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो नोट करिएगा, अपवर्तनांक का मान घटता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर को, तो ये बोला कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश का क्रांतिक कोण न्यूनतम किसमें होगा, तो आप 9 का नोट करेंगे, ये आपका जो होगा ना प्यारे बच्चों, वैंगनी में न्यूनतम होता है और अधिकतम होता है लाल में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप नोट करेंगे डी होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 8-10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश का क्रांति कौन का महत्तम मान क्या होता है, तो अभी महत्तम मान मैंने बताया ही था, लाल होता है, रेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो है यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बोला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो ना आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर 11 का ऑप्शन सी होगा, उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जो है करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे बोला गया प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल जो ना प्रकार परिवर्तित होगी किस प्रकार से, तो 12 का नोट करेंगे डी होगा, घटना और बढ़ना इसके रंग पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
13 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो वोल्ट बटे मीटर होता है, तो 13 का ऑप्शन डी नोट करना है, विद्युतीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट। तो प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर आप लोगों से बोला गया, प्रश्न बोला कि कैथोड किरणें क्या है, ठीक है, तो कैथोड रेजार, तो बिल्कुल नोट करिएगा 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपके सामने जो बोला गया ना, यह प्रश्न बोला कि जो ना आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघ प्लेट के आवेशों का योग क्या होगा, तो 18 नंबर 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य होगा, है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देखते चलो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। चलो सूर्य के प्रकाश का वेग अधिकतम क्या होता है, ठीक है, किसमें होता है, तो अधिकतम जो होता है प्रकाश का वेग ये आपका होता है निर्वात में, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में यहां पर 17 नंबर बोला गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में डोलनी जो ना दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक क्या होता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख लो, तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे, बी नंबर हो जाएगा, टी बराबर में हो जाएगा 2π√1/vmbh, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 18 नंबर का, तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना टेजेंट के नियम का सही है होगा, तो 18 नंबर का नोट करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी बराबर वी एच टेन थीटा, ऑप्शन बी होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो 19 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका हो जाएगा सी वटे एन ए वी, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया कि बताइएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा, इंग्लिश में देख लो आपके सामने कुछ यहां पर है ना, तो बिल्कुल देखो यहां पर राइट आंसर जो होगा 20 का ऑप्शन नोट करिएगा, सी नंबर होगा, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एमबी और 1 cos θ, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर बोला कि धारावाहिक कुंडली का जो है ना विद्युत चुंबकीय घूर्ण होता कितना है क्या है, तो 21 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे, ए होगा, एम पर रेकरिंग बटे एन, ए पर रेकरिंग बटे में आई, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो प्रश्न बोला गया आपसे 22 नंबर प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, चुंबकीय जो है ना देखिए चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहेंगे, तो 22 का वी नोट कर लेना है, यह क्या होगा दिक्पात कोण, ऑप्शन आप लोग ये नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, एल सिंगल बाउंड सी सिंगल बाउंड आर परिपट में अनुनाद की स्थिति का गुणनांक क्या होती है, तो 21 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर बोला, एल सिंगल बाउंड सी सिंगल बाउंड आर परिपट में महत्तम धारा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो नोट करिएगा, 22 का भी ऑप्शन ए होगा, डब्ल्यू बराबर 1/√RC, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहां पर बोला जा रहा है आप लोगों से, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र क्या कहलाता है, तो 23 का ऑप्शन बी नोट करना है, मोटर कहलाता है, है ना, ऑप्शन नोट करिएगा, 23 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए बोला क्या गया, प्रश्न बोला कि यदि किसी डायनेमो में जो ना एमेचर का परिक्रमण लाल चाल दुगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो 24 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, दोगुना हो जाएगा, है ना, गेट्स डबल्ड, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक जो ना द्वितीया का कुंडली में क्रमशः N1 तथा N2 फेरे लपेट हो तो बताइए क्या वैल्यू होगा, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, 25 का ऑप्शन बी होगा, N2 से बड़ा होगा, जो है N2 जो बड़ा होगा N1 से, ऑप्शन सी बी नोट करिएगा। क्वेश्चन 26 है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो 26 का ऑप्शन ए होगा, डेल्टा बराबर Q/A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 27 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, N/C होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक स्थिर आवेश उत्पन्न क्या कर सकता है, प्रोड्यूस ए कांस्टेंट चार्ज, तो नोट करिएगा, 28 का ऑप्शन होगा, केवल विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 29 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो आप नोट करेंगे, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में, which of the following is not a unit of electric field, तो 29 का ऑप्शन भी नोट करिएगा, कुलाम बटे जो ना आपका जूल होगा, जूल बटे कुलाम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा
30 नंबर प्रश्न बोला कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर रहता है, तो बताइए क्या इसका मान होगा। तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे बी होगा, उन पर लगने वाला विद्युत बलों का परिमाण समान होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, आपके सामने बोला गया कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक जो है ना त्वरित करने में उपयुक्त नहीं हो, तो 31 का नोट करेंगे ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग ए नंबर को नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 32 नंबर प्रश्न बोला ई तीव्रता के लिए विद्युत क्षेत्र पी द्विघूर्ण आघूर्ण वाले विद्युत द्विघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, तो देखिए इसका उत्तर जो होगा आप 32 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पी एक्स ई होगा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न बोला आप लोगों से एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो 33 का ऑप्शन ए नोट करिएगा, घटेगा विल डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न बोला कि दो दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी का वर्ग क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 34 का ऑप्शन बी होगा, व्युत्क्रम क्रमानुपाती होगा, है ना, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से कि बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक राशि क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो ना इंटरसिटी ए इज ए क्वाइल जो ना क्वांटिटी, तो आप नोट करेंगे 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, सदिश होगा, फैक्टर होगा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया जो ना विद्युत द्विघूर्ण का ऐसा मैटर क्या है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक जो ना डिपोल मोमेंट इज, तो बिल्कुल 36 का ऑप्शन नोट करेंगे बी होगा, जो ना कूलम पर पावर माइनस एम होगा, आप ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। साइंटिस्ट है कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होता है क्या, तो नोट करेंगे 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ई बराबर जगह एफ बटे क्यू, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर आपसे 38 नंबर बोला गया कि जो ना विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी में क्या संबंध होगा, तो आप 38 का नोट करेंगे ऑप्शन ए होगा, ई बराबर जो ना ई बराबर जो आपका होगा प्यार बच्चों माइनस में डीवी बटे में डीएक्स होगा, आप ऑप्शन ई नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहां पर आपसे जो बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न बोला गया 39 नंबर की एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र में से उच्च विभव के क्षेत्र ले जाया जाए तो क्या आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी, तो आप नोट करेंगे 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नोट करिएगा, बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला गया 40 नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो ये आपसे बोला गया कि विद्युत धारिता का मात्र क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटीज, तो नोट करिएगा कैपेसिटीज 40 है ना, 40 का ऑप्शन नंबर नोट करिएगा ना, तो आपका हो जाएगा सी नंबर, नोट करना फेराडे, यानी फेराडे ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 बोला कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है कितना पर, तो देखिए 41 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा गोलक की त्रिज्या पर रेडियस ऑफ द एस जो ना स्फीयर पर। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 42 हो जाता है, प्रश्न आपसे बोला गया कि बताइए दो आवेश वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यदि उनके मान क्या होंगे, तो आप नोट करेंगे 42 का ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर, यानी कि विभव समान होगा, यानी कि सेम जो ना पोटेंशियल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 बोला गया प्रत्यावर्ती धारा का लंबी दूरी के लिए जो ना संचरण होता है, तो आप 43 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ई होगा, उच्च विभव तथा निम्न विभव धारा पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाता है 44 नंबर प्रश्न बोला कि ए तथा वी के दो गोलिया चालक की त्रिज्या ए कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो दोनों का विभव समान है तो आवेश के लिए घनत्व अनुपात क्या होगा, तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिएगा, बिल्कुल 45 का और 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी बटे में ए होगा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे बोला गया निम्नलिखित में से प्रकाश के लिए जो ना मुख्य कारण क्या है, तो आप नोट करेंगे राइट आंसर 45 का ऑप्शन ए होगा, तरंग या आपका तरंग दैर्ध्य होगा, यानी कि आप नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 46 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन अनावे जो ना आवेश रहित है, तो बिल्कुल यहां पर नोट करेंगे 46 का ऑप्शन सी होगा, फोटोन कण।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो आपसे बुलाना 45 से बोला विभांतर की बीमा क्या है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे विभांतर का जो फॉर्मूला होता है ना पैरामीटर बीमा, तो ये आपका होता है एम एल पर पावर माइनस टू, टी पर पावर माइनस थ्री, आई पर पावर माइनस वन। ऑप्शन नंबर 47 का आप लोग डी नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बताइए, तो नोट करेंगे बिल्कुल ही देखिए द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ जो है ना अर्थ मैग्नेट पोल इज, तो बिल्कुल 48 का ऑप्शन सी होगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 49 नंबर बोला आकाश का नीला प्रतीत होने का क्या कारण है, तो 49 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर बोला किसी वस्तु का रंग का कारण क्या है, तो 50 का ऑप्शन होगा बी नंबर वर्णात्मक अवशोषण, ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया कि प्रकाश किस प्रकार के जो ना कपनों से बनता है, तो नोट करेंगे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 51 का क्वेश्चन। इंग्लिश में भी देखिए व्हाट टाइप ऑफ जो ना वाइब्रेट इज लाइट मेड ऑफ, तो बिल्कुल आप 51 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लेना है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट फील्ड, सो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 52 नंबर, 52 नंबर जो प्रश्न आपसे बोला ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न बोला कि प्रकाश के रंग की गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का रंग वर्ण प्रकाश के वर्ण जो ना निर्णायक है इनमें से क्या, तो नोट करिएगा 52 का ऑप्शन सी होगा यानी कि व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या है, यानी कि लाइट जो ना राइट फोटोन्स हैव एनर्जी, तो 53 का नोट करना ऑप्शन ए होगा एच वी, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। बात करेंगे 54 नंबर की, तो द्वितीयक जो ना तिरंगी कार्यों की जो ना अवधारणा दी थी किन्होंने, तो 54 का नोट करेंगे ऑप्शन सी होगा जो ना हाइगेंस ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया कि बताइए कैथोड किरणें के समूह क्या हैं, तो 55 का ऑप्शन ए होगा इलेक्ट्रॉन, आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ई होगा। 54 नंबर की 56 की बात करेंगे तो परमाणु के अब जो ना अवस्थित मूल कण इनमें से क्या होगा, तो नोट करेंगे परमाणु की अवस्थित मूल कण इनमें से क्या, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी नंबर फोटोन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में यहां पर देख लीजिएगा प्रश्न आपसे बोला है ना 57 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो ना किरचॉक के प्रथम नियम से संरक्षित है होता है, तो आप नोट करेंगे 57 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि आवेश होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया कि निम्नलिखित में से किस का जो है ना अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो 58 का ऑप्शन डी नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा हीरा, है ना, डायमंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, 60 नंबर की बात करें निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो 60 का ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर, नोट करना आवृत्ति, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा 61 नंबर बोला गया कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मैटर क्या है, तो 61 का ऑप्शन बी होगा वेवर, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 62 नंबर प्रश्न बोला गया कि चुंबकशीलता का एसआई मैटर क्या है, तो आप 62 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि न्यूटन बटे में एम्पीयर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोला गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का के आविष्कारक थे कौन, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे फैराडे, है ना, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 64 नंबर बोला गया कि जो है ना प्रश्न क्या बोला, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, क्या होना चाहिए, तो नोट करिएगा 64 का ना ऑप्शन डी होगा, नोट करिएगा चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा जो है ना ये 65 है, फड़े कट एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा क्या होगी, आप नोट करेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर यानी कि 1/2 LI का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न बोला 66 नंबर परम शून्य ताप पर अर्धचालक का व्यवहार क्या होगा, है ना, तो बिल्कुल यहां पर नोट करेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देखते चलना। 66 का ऑप्शन नंबर जाएगा जो है ना सी नंबर यानी कि पूर्ण औचालक की तरह, ऑप्शन नंबर ए सी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे
67 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ क्या होगा। तो नोट करिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, यानी कि ये आपका अर्धचालक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 68 नंबर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, प्रश्न आपसे क्या बोला, बिल्कुल एक सेकेंड, हम 67 का देखे थे, बी नंबर था, 67 का बी नंबर देख लिए थे हम लोग, अर्धचालक। चलिए तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न बोला कि चालन बैंड तथा संयोजी बैंक में अति व्यापन होता क्या है। तो नोट करिएगा, 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा, धातु होता है, मेटल, आप लोग नोट करेंगे। 69 नंबर प्रश्न बोला गया कि चालन बैंड जो ना अंतता रिक्त होता है, तो आप नोट करेंगे 69 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि अचालक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 70 नंबर आपसे बोला गया कि बताइए एक सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होगी। आप नोट करिएगा, बिल्कुल ही 70 का ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि बढ़ता जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस क्लास में फिजिक्स का टोटल 70 इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। क्लास आपका शाम में 7:30 बजे डेली होता है। अब इसका पीडीएफ के लिए मैंने आपको नंबर भी दिया, 9835516710 पर मैंने बोला है। आप लोगों को अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट साइंस लिख के भेजना, ताकि मैं आपको ग्रुप में एड कर दूंगा, एंड 7:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ आप गूगल या क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं फटाफट से आपको सिखा देता हूं, वीडियो देखने के बाद जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे जो है ना आप लोग क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम जो है मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आकर के, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर थोड़ा सा आप लोग ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन के थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फर्स्ट में यहाँ देखिए क्लास 12th लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्लास 12th का सेशन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th लिखा है। इस सेशन में आपको हर एक मंथ मंथली एग्जाम का जैसे पेपर मिलता है, इसी बार जो है ना एक दो दिन में यहाँ पर सेशन बनकर तैयार हो जाएगा, आप यहाँ पर आके चेक कर लेना, अगर बन गया होगा तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा, आप लोग चेकआउट वगैरह एक बार कर लेना, और यहीं पर आपको वायरल पेपर भी इसका मिलने वाला है।